नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में बैठी सरकार की ताकत क्या होती है, ये एक बार फिर से साबित हो गया है जब एक मुस्लिम बहुल राज्य को भी मोदी के आगे अपना इतिहास बदलना पड़ा है और जुम्मे की जगह रविवार को साप्ताहिक छुट्टी घोषित करनी पड़ी है। ये बात तो आप भी जानते हैं कि भारत में रविवार को साप्ताहिक छुट्टी होती है और शुक्रवार यानी जुम्मे के दिन सिर्फ खाड़ी यानी मुस्लिम देशों में ही साप्ताहिक छुट्टियां होती हैं। मगर ये जानकर आपको हैरानी होगी कि सिर्फ मुस्लिम देशों में ही नहीं, भारत में भी एक ऐसा केंद्र शासित राज्य है जहां अब तक जुम्मे के दिन स्कूलों की छुट्टियां होती थी और ये केंद्र शासित राज्य है मुस्लिम बहुल लक्षद्वीप। समंदर में बसे इस राज्य लक्षद्वीप में ज्यादातर मुस्लिम रहते हैं। यही वजह है कि भारत का अभिन्न अंग होने के बावजूद इस राज्य में स्थिति सरकार स्कूलों में रविवार के दिन नहीं, जुम्मे के दिन सरकारी छुट्टियां होती हैं। मगर अब ये इतिहास हो गया है, अब इस मुस्लिम बहुल लक्षद्वीप राज्य में भी रविवार के दिन ही स्कूलों में छुट्टियां हुआ करेंगी, क्योंकि 17 दिसंबर को ही लक्षद्वीप शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया था जिसके मुताबिक सभी स्कूल में रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहेगा और बाकी 6 दिन वर्किंग डे रहेगा और ये फैसला इसी सत्र में लागू भी हो जाएगा। इस नए आदेश से धार्मिक आधार पर लक्षद्वीप में शुक्रवार को मिलने वाली साप्ताहिक छुट्टियों के विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया है। हालांकि सरकार के इस कदम से अब विवाद भी खड़ा होता दिख रहा है। लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल ने कहा कि 6 दशक पहले जब छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए यहां स्कूल खोले गए थे तब से साप्ताहिक अवकाश के रूप में शुक्रवार को छुट्टी मिलती थी और शनिवार को आधे दिन का कार्य दिवस रहता था। यह फैसला स्कूल के किसी भी निकाय, जिला पंचायत या स्थानीय सांसद से चर्चा किए बगैर लिया गया है। ऐसा फैसला लोगों के अधिकार में नहीं है, यह प्रशासन का एक तरफा फैसला है। जब भी स्थानीय व्यवस्था में कोई बदलाव लाया जाता है तो उस पर लोगों के साथ चर्चा की जानी चाहिए। इतना ही नहीं, लक्षद्वीप जिला पंचायत के उपाध्यक्ष सह काउंसलर पीबी अब्बास ने तो प्रशासक के सलाहकार प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को पत्र लिखकर शिक्षा विभाग के आदेश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध कर दिया है। अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि लक्षद्वीप की ज्यादातर आबादी मुस्लिम है और उसकी आस्था के मुताबिक शुक्रवार को छुट्टी होती है, क्योंकि शुक्रवार को जुमे की नमाज अदा करना एक अपरियाय धार्मिक प्रथा मानी जाती है। प्रशासन को इस मुद्दे पर चर्चा के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों की बैठक बुलानी चाहिए। आपको बता दें कि समंदर से घिरा लक्षद्वीप केंद्र शासित राज्य है जहां उपराज्यपाल का प्रशासन चलता है और उपराज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। और ये बात तो आप भी जानते हैं कि केंद्र में इस वक्त मोदी सरकार है जिसके राज्य में मुस्लिम बहुल लक्षद्वीप में होने वाले जुमे यानी शुक्रवार को होने वाली सरकारी छुट्टी को खत्म करके रविवार के दिन सरकारी छुट्टी घोषित कर दी गई है। लक्षद्वीप प्रशासन के इस फैसले से सिर्फ लक्षद्वीप ही भारत का ऐसा राज्य था जहां जुम्मे के दिन साप्ताहिक छुट्टी होती थी, मगर अब जुम्मे की छुट्टी इतिहास हो गई है। प्रशासन के इस फैसले के बाद लक्षद्वीप में इतिहास बदल गया है और यहां भी भारत के अन्य राज्यों की तरह रविवार को स्कूलों में साप्ताहिक अवकाश घोषित कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।